अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलाइड स्कूल सखर कैंपस। दिस इज़ योर इंग्लिश ग्रामर लेक्चर। इन द टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस? इट इज़ यूज्ड टू शो लॉन्गर एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन। ऐसे वर्ब, ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में कंटिन्यू होते रहे थे दूसरे एक्शन, सेकंड एक्शन स्टार्ट होने से पहले। नाउ देर आर सम सिग्नल वर्ड्स टू बी यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आर फॉर, सिंस, ऑल द डे, द होल ईयर, द होल मंथ, द होल वीक। सो लुक एट दीज सेंटेंसेस, हाउ टू यूज दीज सिग्नल वर्ड्स। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर ईयर्स, सालों से वो मेहनत कर रहा था। नंबर टू, ही हैड बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2011, 2011 से मैं पढ़ा रही थी। नंबर थ्री, बाय येस्टरडे इट हैड बीन रेनिंग ऑल द डे, कल से सारा दिन बारिश हो रही थी। नाउ हेयर इज इट्स टाइमलाइन। Look at the right bottom corner. Timeline is showing two actions. The first one that was continue and the second one that started after the first action. So the first work was he was working and the second was he needed a holiday. Look at the sentence in the red box. Chris needed a holiday because he had been working hard for 6 months. 6 माह से वो लगातार हार्ड वर्क कर रहा था, सो ही नीडेड अ हॉलीडे। नाउ इन उर्दू ट्रांसलेशन की वर्ड्स आर पिछले, देश, से। अब यहाँ पर आपके पास टाइम इंडिकेटेड होगा कि पिछले 2 दिन से, पिछले 6 माह से, पिछले 3 साल से, पिछले दिन से। Okay, and in the last of the sentence, you will get रहा था, रहे थे, रही थी। For example, पिछले 2 घंटे से वो पढ़ रहा था। Now, positive structure of past perfect continuous is subject plus had been plus verb ing, then object, and after object, we use since or for to show time, starting time or total duration. Look at the first sentence. Number one is we had been studying in class since morning. Now यहाँ पर since इसलिए use कर रहे हैं हम कि हमारे पास यहाँ starting time और specific time show किया गया है, morning means सुबह से हम class में पढ़ रहे थे। Second example is he had been living in Dubai for 8 years, 8 साल से। अब यहाँ पर for इसलिए use किया हमने क्योंकि हम we don't know either which 8 years, कौन से 8 साल, so इसलिए हमने use किया यहाँ पर for, क्योंकि यहाँ हमारे पास total duration बताया गया है, 8 साल से वो दुबई में रह रहा था। Number three, you had been wasting your time since last year. अब यहाँ लास्ट ईयर यूज़ किया है हमने, सो इसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ इंडिकेटिंग कि कौन सा साल, पिछले साल से, पिछले साल से तुम अपना वर्क ज़ाया कर रहे थे। इट्स नेगेटिव स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, जस्ट वी हैव टू ऐड नॉट आफ्टर हैड एंड फर्दर स्ट्रक्चर विल बी सेम। नंबर वन सेंटेंस, We had not been studying in class since morning. सुबह से हम क्लास में नहीं पढ़ रहे थे। Number two sentence is he had not been living in Dubai for 8 years. 8 साल से वो दुबई में नहीं रह रहा था। Number three is you had not been wasting your time since last year. पिछले साल से तुम अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे थे। नाउ इट्स इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इज़ हेड,
first in the starting of the sentence and then subject. Been plus verb ing, object, again since or for to show time, and don't forget to put question mark in the last. First sentence is, had we been studying in class since morning? क्या सुबह से हम क्लास में पढ़ रहे थे? Number 2, had he been living in Dubai for 8 years? क्या 8 साल से वो दुबई में रह रहा था? Number 3, had you been wasting your time since last year? क्या पिछले साल से तुम अपना वक्त जाया कर रहे थे? Now, hope you all have understood it. It's your assignment to do practice at your home, write sentences with their translations. Okay, best of luck.